और दोस्तों आज की वीडियो चालू करेंगे मेरे क्वेश्चन के साथ। मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन आपके लिए कौन सा था या स्टिल कौन सा है, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अगर मैं आपको अपना ओपिनियन देना चाहूं तो ऑलमोस्ट 70% से भी ज्यादा लोग जो वेट कर रहे थे वो नोकिया के पेंडा कैमरा फोन का वेट कर रहे थे। जी फ्रेंड्स, काफी टाइम से ये रूमर्स में था और ये फाइनली लॉन्च कर दिया गया है। आपको ये फ्लिपकार्ट पर 17 जुलाई को देखने को मिलेगा। क्या कुछ खास आपको देखने को मिलेगा इस स्मार्टफोन में और किन किन ऑफर्स के साथ आएगा ये स्मार्टफोन, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ, तो बने रही मेरे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम चौहान एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। जी फ्रेंड्स, वैसे मैं आपको बताऊँ ये फोन जो ग्लोबली लॉन्च किया था वो फरवरी के महीने में कर दिया था और ये इंडिया में आपको जुलाई के महीने में देखने को मिल रहा है, मतलब पूरे 5 महीने के बाद आपको ये इंडिया में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहाँ पे इसकी डिस्प्ले के बारे में, तो यहाँ पे आपको 5.99 इंच की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है और इस डिस्प्ले में ही आपको फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है। जहाँ फ्रेंड्स, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आएगा। बात करूं यहाँ पे कितने वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगा, तो मैं आपको बता दूं ये क्लियर हुआ है कि एक ही वेरिएंट में देखने को मिलेगा 6GB 128GB स्टोरेज के साथ आएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आप इस चैनल पे पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को दबा दो और याद रखना ऑल वाली पे नोटिफिकेशन पे क्लिक करना, जैसे कि मेरी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इस फोन के प्रोसेसर के बारे में, क्योंकि मल्टीटास्किंग का सारे लोग यूज करते हैं कहीं ना कहीं, तो फोन जल्दी हैंग होने लगता है। तो इस फोन में आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन वाला 845 प्रोसेसर दिया गया, मतलब आपका क्या है फोन काफी ज्यादा स्मूथ चलने वाला है, आपका एक्सपीरियंस काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है इस फोन के साथ में। स्क्रीन बड़ी दी गई है 5.99 इंच की, वो भी एमोलेड दी गई है, तो इसकी बैटरी भी कहीं ना कहीं बड़ी होनी चाहिए। तो जी हां फ्रेंड्स, अगर मैं बात करूं इसकी बैटरी के बारे में, यहाँ पे आपको 3320 mAh की बैटरी देखने को मिल जाएगी। हालांकि ये ज्यादा नहीं है, लेकिन प्लस बात ये है कि इसमें आपको टाइप सी का पोर्ट दिया गया जो कि फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगा। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बता दूं इसमें वायरलेस टेक्नोलॉजी भी दी गई है, मतलब क्या है आप वायरलेस इसको चार्ज भी कर पाएंगे। और फाइनली बात करेंगे हम लोग ये किस कारण सबसे ज्यादा रूमर्स में था, किस लिए सारे लोग इसका वेट कर रहे थे। जी हां फ्रेंड्स, इसका जो वेट कर रहे थे वो सारे लोग पेंटा कैमरा की वजह से वेट कर रहे थे। जी हां फ्रेंड्स, इस फोन में आपको बैक में 5 कैमरे देखने को मिल रहे हैं और कमाल की बात ये है कि 5 कैमरे सेम दिए गए, मतलब 12 मेगापिक्सल के 5 कैमरे दिए गए हैं। जी हां फ्रेंड्स, साथ ही साथ मैं आपको इसके फ्रंट कैमरे की बात करूं तो यहाँ पे आपको 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाएगा। वैसे अगर मैं बैक कैमरे की तरफ एक बार फिर से आना चाहूंगा कि 12 12 12 12 12 मतलब 5 बार 12 मेगापिक्सल के कैमरे 5 बार दिए गए, मतलब 5 कैमरे दिए गए हैं 12 12 मेगापिक्सल के, तो इनका यूज क्या क्या होगा ये तो जब भी फोन आएगा तब तो पता चल ही जाएगा। वैसे आपको क्या लगता है इस 5 कैमरे को लेकर के, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से बताइए। अब बात कर लेते हम लोग इसकी लॉन्च डेट के बारे में, जो कि मैं आपको पहले से ही बता चुका हूँ, ये फ्लिपकार्ट पर आपको देखने को मिलेगा और इसकी जो सेल होने वाली है वो 17 जुलाई को होने वाली है। फाइनली बात कर लेते हम लोग इसकी प्राइस को लेकर के, तो मैं आपको बता दूं ये नोकिया का फ्लैगशिप फोन है, तो मैं आपको बता दूं इसकी जो प्राइस होने वाली है वो 49,999 होने वाली है। जी फ्रेंड्स, अगर आप इस नोकिया के पेंटा कैमरा को खरीदना चाहते हैं तो आपको 50,000 रुपये पे करने पड़ेंगे, मतलब क्या है एक कैमरा की कीमत क्या है 10,000 रुपये। थोड़ा सा मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप इस फोन को नोकिया की साइट से खरीदते हैं तो यहाँ पे आपको 5,000 रुपये का गिफ्ट वाउचर मिलता है, साथ ही साथ आपको 705 के ईयरबड्स भी देखने को मिल जाते हैं नोकिया वाले, तो ये कमाल का ऑफर से कहीं लगे। तो मैं आपको सजेशन करना चाहूंगा कि अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो नोकिया की साइट से ही खरीदें ताकि आपके पैसे बच सके कहीं ना कहीं। ओके दोस्तों, तो ये था नोकिया का पेंटा कैमरा फोन जो कि काफी टाइम से लोग वेट कर रहे थे, मैंने आपको बता दिया है कुछ ऐसा ही होने वाला है आपका नोकिया का पेंटा कैमरा फोन। आपको क्या लगता है इस फोन के बारे में मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वैसे मैं आपको बता दूं कंपनी फीडबैक मांगती हो और आप कमेंट नहीं करते, कंजूसी करते, कमेंट कर दिया करो कुछ नहीं जाता है, और हाँ वीडियो को लाइक भी कर दिया करो कुछ नहीं जाता। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को ले बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर प्रेस करना, याद रखना ऑल पे क्लिक करना। मैं मिलता हूं आपको नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए।